खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। तलेन नगर में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत 39,78,680 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण चल रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा नगर परिषद की मिली भगत से इस्टीमेट को ताक में रखकर मनमर्जी से कहीं 1 फीट, कहीं 3 फीट, कहीं 2 फीट नाली खोदकर बिना बेस पॉइंट के लाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन निर्माण पूर्ण होने की अवधि 12 माह थी, परंतु ठेकेदार की लापरवाही के कारण आज तक निर्माण पूर्ण नहीं किया गया है, जबकि दिनांक 10/1/2017 को आदेश दिया गया है कि नगर परिषद ने ठेकेदार की लापरवाही व बिना इस्टीमेट के मनमर्जी से निर्माण करने पर कार्यवाही करना तो दूर, परंतु 3 बार अतिरिक्त निर्माण करने की समय अवधि बढ़ा दी गई, जबकि ठेकेदार ने नगर में बने सीसी के अच्छे रोड को खोद दिया गया, जिससे पूरे नगर में गलियों में निकलना मुश्किल हो रहा है। पूरे नगर में आधा अधूरा काम किया गया, जबकि पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई नाली में बेस बनाना था, परंतु ठेकेदार बिना बेस के पाइपलाइन बिछा रहा है। उल्लेखनीय है कि नगर में पचोर से सुजालपुर तक 2 लेन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, परंतु नगर में पाइपलाइन बिछाने वाले ठेकेदार द्वारा 2 लेन रोड पर पाइपलाइन बिछा रहा है, जबकि यहां पाइपलाइन रोड बनने के बाद नीचे दब जाएगी, जिससे नगर परिषद के लाखों रुपए ठेकेदार की लापरवाही के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं नगर मुख्यमंत्री शहरी योजना के अंतर्गत पाइपलाइन डाली जा रही है, क्योंकि समय अवधि के बाद भी यहाँ घटिया निर्माण चल रहा है बिना बेस के, कहीं 3 फीट, कहीं 2 फीट, कहीं 1 फीट ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से घटिया निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से 2 लेन रोड निकल रहा है पचोर से सुजालपुर, जहाँ पेयजल योजना की पाइपलाइन डाली जा रही है, जबकि वहाँ ऊपर रोड आ जाएगा, क्योंकि नगर परिषद का करोड़ों रुपए का लागत भ्रष्टाचार की भेंट। समय जगत एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।